चंडीगढ़ नगर निगम की 335वीं बैठक मंगलवार को हुई। बैठक तय समय 11 बजे से करीब 45 मिनट देरी से शुरू हुई और करीब 1 बजे बैठक के लिए जो एजेंडा शामिल किए गए थे उन पर चर्चा शुरू हुई। इस बैठक में चंडीगढ़ के गठबंधन से नव निर्वाचित सांसद मनीष तिवारी शामिल नहीं हुए। अब नगर निगम में गठबंधन का पूर्ण बहुमत है। नगर निगम में मेयर चुनाव के बाद गठबंधन के पास 19 पार्षद थे जबकि भाजपा के पास 12 वोट रह गए थे। लेकिन अब स्थिति और भी बदल चुकी है क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के पार्षद हरदीप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं जबकि सांसद का वोट भी गठबंधन के पक्ष में हो गया है। नगर निगम की तरफ से 335वीं बैठक के लिए जो एजेंडा पार्षदों को भेजा गया है उसमें कुल 20 प्रस्ताव रखे गए हैं जिन पर नगर निगम में चर्चा हुई। इसमें चंडीगढ़ के रोज गार्डन और 33 के टेरेस गार्डन को दिव्यांग लोगों की सहूलियत के हिसाब से बनाने का एजेंडा लाया गया है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय बाद मिल रहे हैं हम सभी। हुआ ऐसे है कि जो शमशान घाट का एक जो मुद्दा आया है, बेसिकली हर बंदे को पता है कि एक आखिरी जो हमारा स्थल है वो शमशान घाट ही है और हमने वहाँ जाकर मुक्ति प्राप्त कर ली है। मुक्तिधाम कह लीजिए, वो मुक्तिधाम हमारे लिए, पर वहाँ लोगों की बड़ी ही आस्था जुड़ी होती है कि यार लास्ट मोमेंट में तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले और अच्छा, मतलब लोग जाएँ वहाँ से तो मतलब एक अपने यादगार पल से हैं। तो उसके लिए एक वॉल भी बनाई गई है यादगारी कि जो समथिंग कोई वहाँ पर कोई डोनेशन करे या आपने देखा होगा पूरा वहाँ पर पोजिशन रिपोर्ट दी जो भी दी गई है उसमें सारा कुछ बताया गया। बेसिकली वैसे तो मैं अगर कहूँ गर्व से कि हम चंडीगढ़ के वासी होने के नाते हमारा जो शमशान घाट है अब तक बाकी शहर के मुकाबले बहुत अच्छा है और इसे और भी अच्छा करने के लिए मुहिम की गई है। करीबन 7 करोड़ की लागत से इसे और भी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। अभी जो सारी चर्चाएं हुई हैं हाउस के अंदर उस सभी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए जो पार्षद साहब ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं उन्हें भी ध्यान में रखते हुए हम उसका ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। और आपकी रही दूसरी बात जो डंपिंग ग्राउंड को लेके एक हम मशीन लगाई जा रही है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे कुछ सफाई कर्मचारी वो हाथों से कूड़ा जो है गिल्ला सुखा अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि आउटर एरिया के अंदर हम कहें तो चंडीगढ़ के आउटर एरिया के अंदर लोग अभी भी कूड़ा एक जगह डंप कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए था गिल्ला सुखा मिक्स करके। तो उसे हमारा जब सुबह सफाई कर्मचारी जाता है तो उसे हम एक ड्यूटी लगाते हैं कि आपने इसे गिल्ला सुखा अलग करना है। तो आने वाले समय में जो हम अभी आज एजेंडा लेके आए हैं वो मशीनरी इस तरह की हाईटेक बनाई गई है कि उसमें अपने आप ही गिल्ला और सुखा अलग हो जाएगा और जिससे कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उन्हें बहुत राहत मिलेगी, उन्हें रोज़ सुबह आके उस गंद में हाथ नहीं मारना पड़ेगा सफाई करने के लिए, वो मशीन के अंदर ही अलग हो जाएगा। और उसमें एक और विशेषता है कि उसमें प्लास्टिक और लोहा और समथिंग जो हैवी मटेरियल है वो अलग होगा और पॉलीथीन अलग होगा और जो गिल्ला कचरा जो हमारा सब्जियाँ हो गया रसोई वेस्ट हो गया वो अलग होगा। तो वो मशीन काफ़ी हाईटेक की है और अभी चीफ साहब देख के आएँ तो उसके में मैं उनसे अच्छी तरह उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि ये मशीन आने वाले समय में बहुत हमारे लिए उपयोगी होगी। देखिए शिकायत तो लगभग सभी चंडीगढ़ के अंदर कम आउटर एरिया में ज़्यादा होती है, पिंड और ये समथिंग। तो पानी और सीवेज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ रखी थी जिसे देखते हुए, क्योंकि आपको पता ही है कि 2 महीने के अंदर होता ऐसे है कि इन 2 महीने में भीषण गर्मी पड़ती है और इस बार कुछ ज़्यादा ही पड़ी है, जो हमारा टेम्परेचर 45-46 तक चला गया। तो उनकी सभी इस पार्षदों की समस्या को सुनते हुए संज्ञान लिया गया और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम इस जो पानी और सीवेज की समस्या से निजात पाएंगे और आने वाले समय में और भी डेवलपमेंट के जो होगा वो किया जाएगा। क्योंकि कुछ जगह मुझे लगता है कि सीवरेज की लाइनें छूटी हैं, पानी की आपको पता ही लग रहा होगा, तो पानी तो हम कह ही रहे हैं कि हमने बड़ी लाइनें डालनी है, तो इसमें भी अभी काम चल रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे कर लिया जाएगा। देखिए ऐसा है सर, अब इनकी तो 4 इंजन सरकार थी, इन्होंने कुछ भी एम्प्लॉयज के हक में बात नहीं की। लेकिन एक गरीब घर से आता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कि एक तनख्वाह ना मिलना और या डिले हो जाना उस घर में कितनी समस्याएं आती हैं। मैं 4 महीने सरकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूँगा जो बात आज मैं हाउस में रख रहा हूँ, आने वाले समय में अगर तिवारी जी भी मेरा साथ दे रहे हैं, वैसे तो तिवारी जी हमारे साथ गठबंधन में हैं और वो
भारत की सबसे बड़ी पंचायत में वो बात रखेंगे जो मेरे आज चयन में आपने पूछी ली है कि यहाँ का सी और डी ग्रुप का जो एम्प्लॉयज है वो रेगुलर बेस होना चाहिए, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी के जो साल है महत्वपूर्ण जब वो जवानी के होते हैं वो सफाई करते हुए बिताता है, लेकिन रिटायर होने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म होना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए चंडीगढ़ में। जब हरियाणा पंजाब अदर स्टेट में हो सकता है तो चंडीगढ़ में क्यों नहीं। यहाँ पर सेंटर की रूल कहते हैं, सेंटर की रूल फॉलो करने के बावजूद हम यहाँ पर भर्ती नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना है कि चलो अब तो नवी सरकार आ गई है, मैं यहाँ से अपने से लेटर भी भेजूंगा, एक अपना नोट भी भेजूंगा कि यहाँ पर पक्की भर्ती होनी चाहिए, इन लोगों का जो शोषण हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार जो आपको भी पता है कि किस तरह से शोषण कर रहे हैं। तो मैं आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं हमारे जो पिछले 10 साल से 15 साल से 20 साल से यहाँ पर हमारी सेवा कर रहे हैं चंडीगढ़ की, उन्हें तो सीनियोरिटी के हिसाब से ही पक्का कर देना चाहिए, रेगुलर बेस कर देना चाहिए, और इसके अलावा रेगुलर भर्ती निकालनी चाहिए जिसमें ओपन भर्ती हो, जो काबिल हो वो रखा जाए और बैकडोर से एंट्री ना हो। जी बिल्कुल, उसमें मीटर कुछ जो मेरी चीफ साहब से बात हुई है, मीटर ठीक किए जा रहे हैं, मीटर रिप्लेस भी किए जा रहे हैं। और रही बात पानी फ्री देने की, 20,000 लीटर पानी बेसिक नीड है, हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं बेसिक नीड दीजिए, आप लोगों को कुछ तो सुविधा दीजिए। आपने टैक्स पे टैक्स लगा दिया है। एक तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमें मतलब ये लगा लीजिए सारे खर्चे वाले डिपार्टमेंट एमसी के पास हैं और फायदे वाले सारे डिपार्टमेंट एडमिन के पास हैं। अब हमें ही कहते हैं जी अपनी इनकम बढ़ाइए, इनकम कहाँ से बढ़ाएं, फायर में कौन सी इनकम बढ़ेगी और हॉर्टिकल्चर में क्या इनकम बढ़ेगी या सफाई कर्मचारी में कौन सी इनकम बढ़ेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारे खर्चे वाले डिपार्टमेंट हमें देखे और हमें से पूछा जा रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली बेसिक नीड जो है, जो 20,000 लीटर पानी की हमने रखी है, और मैं फिर निवेदन करूंगा हमारे गवर्नर साहब से भी, एडवाइजर साहब से भी और लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी से भी हमारे, कि ये जो बेसिक नीड है इसे अप्रूवल दी जाए, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया जाए, चंडीगढ़ के लोगों को कुछ राहत दी जाए। वीर साहब जी देखिए ऐसा है, कुछ रोड तो हमारे एमसी के पास हैं जो हमारे रोड हैं, उनके हम लेके आए हैं एजेंडे और आने वाले समय में बहुत जल्दी उनका काम भी शुरू हो जाएगा। अब पिछले 5-6 महीने तो हमारा आपको पता ही है कैसे बीत गया, इलेक्शन में बीत गए हैं, मैं तो कहूँगा मेयर इलेक्शन से लेके एमपी इलेक्शन तक ही बीत गया पिछला कार्यकाल तो। लेकिन अब हम इसके एजेंडे लेके आ रहे हैं, सड़कें जो हमारी सड़कें हैं एमसी की, हम उन्हें रिपेयर भी करेंगे और नवी भी बना रहे हैं, रिकारपेटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो एडमिन की सड़कें हैं तो उनके बारे में तो वही बता पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें